ऑलराइट, तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग किसी की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं और ऐसा कब्जा करते हैं उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते। सो यहाँ पे कोई रूम की बात नहीं हो रही, कोई मकान की बात नहीं हो रही, कोई प्लेस की बात नहीं हो रही, सिंपल ज़मीन की बात हो रही है। आपने देखा होगा कोई ज़मीन होती है वो कुछ काफ़ी टाइम से खाली पड़ी है, तो उस पर क्या होता है कुछ लोग ऐसे ही उसको घेर लेते हैं, अपना रेजिडेंस बना लेते हैं, उसे घेर लेते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए उस ज़मीन को वापस रिकवर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यू हैव टू डू माई टू वर्क्स। सो वन इज इंस्टाग्राम, इफ़ यू हैव नॉट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम देन प्लीज़ विजिट माई पेज ऑफ इंस्टाग्राम। एंड द सेकेंड थिंग इज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम द गरीब अकबर। सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट इट। इंट्रो। And just felt right, phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight, it turned a short day into a long night. See you soon if you got the heart, meet you outside when you... ओके, तो करने से पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, आई मीन कौन से स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए। तो फर्स्ट आ गया मारपीट, कोई भी आपने हर्ट नहीं करना, कोई भी फिजिकल टॉर्चर नहीं करना। ओके, सो द सेकंड थिंग इज कोई भी अब्यूजिंग थिंग नहीं करना, कोई गाली गलौज नहीं करना, कोई धमकी नहीं देना। ओके, तो करना क्या है, तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत एक छोटी सी एप्लीकेशन फाइल करनी है सिविल कोर्ट में। तो जैसे ही आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करोगे तो आपको यहाँ पर दो चीज़ प्रूफ करनी होगी, एक ऑनरशिप और एक पोजेशन। ऑनरशिप होगा आपका खुद का, यानी कि वो ज़मीन आपकी है तो आपके पास ऑनरशिप होगा। ऑनरशिप आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई रजिस्ट्री हुई अपनी उस ज़मीन की, अगर वो ज़मीन आपकी है तो आपके पास कोई उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो होगा, जैसे कि रजिस्ट्री, जिससे कि पता चलेगा कि आप उसके ऑनर हो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ पोजेशन, कब्जा, आपको प्रूफ करना है इस पर कब्जा है। तो कब्जा आप कैसे प्रूफ करोगे, तो अगर उस पर कब्जा ही है तो आपको दिखेगा कि उस पर कब्जा हो रहा है। तो ऐसे में आप कुछ विटनेसेस इकट्ठे या कलेक्ट कर सकते हो आपके लिए गवाही देने के लिए। तो आपको ये चीज़ करनी है, तो जैसे ही आप ये चीज़ फाइल करोगे आपकी कुछ दिनों में कब्जे हुई वाली ज़मीन रिकवर हो जाएगी। तो सेकेंड ऑप्शन ये है, आप RTI भी लगा सकते हो उस पर, उस ज़मीन के रिगार्डिंग RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लगा सकते हो। सो दैट्स बीइंग क्लियर, दैट्स बीइंग फाइनल। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो आपको पता चल गया है कैसे कब्जा हटवा सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज, मीनवाइल यू डोंट फॉरगेट टू स्टे स्टाइलिश एंड स्टे अवेयर। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो।